क्या बोल रही हूँ कि मैं क्या दिखता मेरा ना दिमाग काम नहीं कर रहा है, आई एम ब्लैंक राइट नाउ. रहोगे उस अकॉर्डिंग. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. कैसे हो आप सब? हमारी है दुर्गा पूजा. इससे पहले मैं दुर्गा पूजा की थोड़ी सी शॉपिंग दिखा चुकी थी अपने व्लॉग में पिछले वाले, जिसमें मेरी 2 या 3 साड़ी आई थी और मेरी ही साड़ी आई थी आई गेस. सो उसी के ना अगले शाम ना मम्मी की ना साड़ियाँ आ गई थी बाकी जो हमने ऑर्डर करी थी. तो मैं दिखा देती हूँ कि हमारी जो फाइनली दुर्गा पूजा की शॉपिंग हुई है वो क्या क्या हुई है. सो पहले से शुरू करते हैं. ये साड़ी मम्मा की, दिस इज़ ऑफ पिंक कलर और अंदर से ये ना ग्रीन है. ये सब हमने ना मिंत्रा से ऑर्डर करा है और बहुत ही अच्छी डील में ऑर्डर करा है. अगर मैं इसका प्राइस देखूँ, लेट मी चेक, हमने साड़ियाँ बहुत ही अच्छी डील में ख़रीदी है सारी की सारी. सो दिस वन इज पिंक वाइट, पिंक एंड ग्रीन. ओके, सो मैंने ना स्क्रीनशॉट्स ले ली एक बारी में सबके अभी बैठ के. सो ये है पिंक एंड ग्रीन वाली साड़ी, जिसका प्राइस है ऑफिशियली, इसका प्राइस है 10,000, मतलब 499 का है, 999 का है, जो कि मम्मी ने लिया है 2,200 में. फोकस फोकस. इसका मैं लिंक डाल दूँगी और स्क्रीनशॉट भी डाल दूँगी स्क्रीन में कि ये कितना ज़्यादा सुंदर साड़ी है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये कलर मम्मी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. इसमें ना नीचे और भी ऑप्शन थे कलर्स के, लेकिन मम्मा को ये फाइनली ज़्यादा पसंद आया. तो ये वाली साड़ी हमें 2,200 की पड़ी. ये मुझे मम्मी ने 4 साड़ियाँ ली है ना, तो उसमें से मुझे लीस्ट फेवरेट लगा, क्योंकि अगर हम कंपेयर करेंगे एक दूसरे से, सो ये मुझे 4th नंबर में पसंद आया मम्मी के लिए. और हमारी पूजा होती है 3 दिन की, तो मैंने मम्मा पूछ रही थी कौन सी साड़ी मैं अवॉइड करूँ कि लाइक कौन सा नहीं पहनूँ किस दिन. तो मैंने कहा कि मम्मी देखो बाकी सब तो पहन लेना सुंदर है, बट ये वाली ग्रीन और पिंक वाली साड़ी कभी और पहन लेंगे, क्योंकि दिवाली भी आने वाली है तो दिवाली के लिए बच जाएगी ये साड़ी. तो हाँ, अच्छी है बट लीस्ट फेवरेट है. सो यहाँ पे है मम्मा की 2nd साड़ी, जो कि है वाइट एंड पिंक में, जो कि बहुत सुंदर है. आई गेस पल्ला पूरा पिंक होगा. हाँ ये रहा, ये बीच का है या पल्ला है, ये है आई गेस पल्ला, जो कि पिंक है पूरी तरीके से. और यहाँ से वाइट और गोल्डन गोल्डन काम है इसमें. मुझे ना ऐसे नाम वगैरह मटेरियल बिल्कुल भी नहीं पता होते साड़ियों के या कपड़ों के. सो ये वाली साड़ी है 11,200 की और हमको पड़ी है ये 2,217 रुपये की, 27 रुपये की. सो ये साड़ी में कलर आई गेस नहीं था इस साड़ी में कलर, बट ये वाली साड़ी हमने ली इतने प्राइस में, जो कि काफ़ी अच्छी डील है. इट्स अ स्टील एक्चुअली. और ये साड़ी तो आपको मैं दिखा चुकी थी, मेरी साड़ी है, ये वाली भी मेरी साड़ी है, एक सिल्क है और एक जो भी है. ये वाली 2 साड़ियाँ हैं जो कि ब्लाउज़ बनने में है, मम्मी के भी ब्लाउज़ बनने में दे चुके हैं हम. ये ना हमें पिछले कुछ दिन 4-5 दिन पहले मिला था फॉल पीको करने के बाद. और ये वाली साड़ी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, जो कि मेरी साड़ी है. अगर आपने मेरी पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी है, साड़ी आई गेस ये वाली नहीं थी उसमें, हाँ ये वाली नहीं थी, ये वाली मैं आपको दिखाना रह गया था, क्योंकि ये मम्मी के साड़ियों के साथ आया था ऑर्डर के साथ. ये साड़ी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है. सी इसका मटेरियल कुछ नहीं पता मुझे क्या है, थोड़ा सा नेट में है. और इसका कलर, इसका मटेरियल बहुत सुंदर है, मतलब ये पुराना दुर्गा पूजा वाली वाइब दे रहा था. तो इसका भी मैंने ब्लाउज, इसका ना मैंने ब्लाउज़ बनाने दिया है, बट जो मैंने ना एक्चुअली मैंने नेल एक्सटेंशन कराए सी, बहुत कम छोटे रखे मैंने जो साइज़, बहुत बोलने के बाद भैया नहीं मान रहे थे, बट मैंने छोटे ही रखा है. पता नहीं क्यों मेरा मन इस बार छोटा कराने का ही था. सो हाँ, हम कमला नगर गए थे नेल एक्सटेंशन कराने, तो वहाँ से ना वापस आते हुए ना मुझे एक रेड कलर का टॉप दिखा, टैंक टॉप, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और बिल्कुल प्योर रेड था. डबल मटेरियल कपड़ा था उसका, मतलब पतला कपड़ा बिल्कुल भी नहीं था वो. तो ना इस साड़ी के साथ ज़रूर जाएगा. मैं सोच रही हूँ अगर उसने ब्लाउज़ अच्छे से नहीं बनाया, अच्छा बना दे बट जिसे भी बनाने दिया है, अगर उसने अच्छा नहीं बनाया ना, मतलब मन में इतना एक लालच सी आ रही है कि अगर अच्छा नहीं बनाना तो मैं वो रेड वाला टैंक टॉप पहन लूँगी. तो ये वाली जो साड़ी है ना, ये एक्चुअली है 2,500 की, बट ये मुझे 749 का पड़ा. कितनी अच्छी डील है, इट्स अ स्टील एक्चुअली. मिंत्रा बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स देता है, पता नहीं क्लोथिंग ब्रांड बहुत ही अच्छी तरीके से. और जो मेरी सिल्क ये सिल्क वाली जो साड़ी है, ये वाली है ओरिजिनली 5,200, बट वी गॉट दिस फॉर 987, अगेन अ गुड स्टील. एक वाइट साड़ी है जो ये वाली से पहले दिखाई थी, उस वो है 2,300 समथिंग की, और मैंने इसको 1,000 रुपये में ली है.
तो मेरी तो साड़ी बहुत सस्ते में आ गई है, मम्मी की भी सस्ते में ही आई है, बट अच्छी है जो मम्मी ने भी खरीदा है। और ये वाली साड़ी मुझे बहुत अच्छी है, दो नंबर में है, ये दो नंबर वाली साड़ी है जो मुझे सेकंड, मतलब मैं चार साड़ियों को लाइक मार्किंग दूंगी तो ये सेकंड नंबर पे है। और ये साड़ी बहुत ही सुंदर है, नेट में है, दिस इज़ व्हाट वी गॉट फॉर हर। ब्लाउज़ मम्मा ने ना इस बार थोड़ा सा अलग सिलवाया है, इट्स लाइक वी कट में जो चल रहा है थोड़ा ट्रेंड में। अच्छा, इसका प्राइस मैं दिखा दूँ, इसका प्राइस है, यार सारे तो बड़े महंगे हैं, ओरिजिनली हम कैसे खरीद लेते वैसे मम्मी के लिए, तो हम दुर्गा पूजा में थोड़ी महंगी शॉपिंग करते हैं। दिस इज़ फॉर 9,299, जो कि हमने लिए 1,859 की, 59 को हिंदी में क्या कहते हैं आई डोंट नो। सो ये वाली साड़ी है, और देखो जो फोटो है ना, इसने कितने अच्छे तरीके से ड्रेप करा है, लाइक शी लुक सो एलिगेंट। तो मैं मम्मी को भी पूरी कोशिश करूँगी अच्छे से तैयार करने की। और नंबर वन में है ये वाली साड़ी, और ये साड़ी यू वोंट बिलीव, हमारे घर में सबको इतनी ज़्यादा पसंद आई है, ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और मैं चाहती हूँ कि इसको ना पहन के मम्मी लाइक बहुत ही ज़्यादा, मतलब रॉयल लगे, बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगे। मैं बहुत सटल मेकअप करना चाहती हूँ मम्मी का इस साड़ी पे, एक्चुअली सारी साड़ियों में बहुत ज़्यादा हल्की है, इट्स लाइक रॉयल लुक दे रही थी। सी जो फोटो है ना इसमें भी काफ़ी, और ये साड़ी के ना बहुत ज़्यादा कलर ऑप्शंस हैं। सी ये साड़ी जो उन्होंने ड्रेप करा है बहुत सुंदर तरीके से, एंड नीचे आपको ना यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। मैं आपको लिंक डाल दूँगी इस प्रोडक्ट के सारे, तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा कि अगर आपको कौन सा पसंद आता है। यह है अनोक की साड़ी, ब्रांड नेम अनोक, एंड दिस इज़ फॉर 13,799, एंड वी गॉट इट फॉर 2,759। कितना अच्छा स्टील है ना। सो हमने ना नीचे जो इतने सारी साड़ियाँ हैं हमने सारी चीज़ देखी, बट हमें ना यही पसंद आया, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, तो ना हमने ये सारी साड़ियाँ मंगवा ली है। हम लेडीज़ की ये साड़ियों की शॉपिंग जो है वो ऑनलाइन हुई है सारी की सारी। मुझे ना हील लेनी थी, बट मुझे अभी तक हील मिली नहीं है अच्छे से, क्योंकि मैं ना घूमना चाहती हूँ अच्छे से, बट पिछले साल ना मैंने बहुत ज़्यादा लाइक फाइव इंच की हील पहनी थी, जो कि मुझे ना दर्द करने लगी थी। तो हमने ना सीआर पार्क में वहीं से एक स्टोर से ना मम्मी और मैंने दोनों ने शूज़ खरीदे थे, कि लाइक हम लेना तो चाहते थे नॉर्मल कोई भी छोटी बेली या फिर फ्लोटर्स या फिर जो भी, मतलब सैंडल आई गेस जो अच्छी लगेगी, बट हमें ना वहाँ पर शूज़ ही ज़्यादा कम्फर्टेबल लगे, उस दिन इतना ज़्यादा पेन था। तो मैंने अभी तक कोई बहुत हल्के में हील नहीं ले रखी है, मुझे चाहिए। इस साल मैं क्या पहनने वाली हूँ साड़ी के साथ मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो अभी यहाँ पे एक और प्रोडक्ट है मिंत्रा का, जो भाई के लिए आया है आज। हम लेडीज़ की शॉपिंग ना अभी यहाँ पे और भी मैं आपको दिखाऊंगी, बट लड़कों की जल्दी दिखा के मैं ख़त्म कर देती हूँ। एक्चुअली लड़कों की क्या है, ये सिर्फ भाई की है। H&M, यार H&M स्टोर पे कितने ज़्यादा महंगे कपड़े आते हैं ना। मम्मी के ID से ऑर्डर करा गया है, तो मुझे इसका प्राइस पता नहीं ऑफिशियली, वैसे तो ये है कुछ 1499 का, बट हमने ऑनलाइन कितने में पे करा है नहीं पता, मैं लिंक में डाल दूँगी, अगर मैं जब एडिट करूँगी तब मैं इसका स्क्रीनशॉट दे दूंगी कि हमने कितने में ख़रीदा। एंड हम गए थे मॉल संडे को लास्ट टाइम, सो उस दिन हमने पापा के लिए लिए शूज़। हमने दो तीन दुकान घूमे, और एक दुकान जो एडिडास है उसमें हमने एडिडास कैसे बोलते हैं, कौन क्या ब्रांड का नाम है कुछ समझ ही नहीं आता। सो हमने वहाँ पर एक घंटा लगाया ये शूज़ खरीदने में, एक्चुअली एक घंटे इस शूज़ में नहीं लगे। इसके साथ ना जैसे हम कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं इसके साथ और एडिशनल कोई जूते लेते हैं, फिर उसमें कुछ 200 या 500 रुपये कम पड़ते हैं ना, तो वो डील डाल देते हैं कि आप इतने का ले लो तो आपको ये फ्री हो जाएगा, तो हमको ना उसी चीज़ में इतना ज़्यादा टाइम लग गया। तो ये जो शूज़ है ना ये आई गेस न्यू आया है वहाँ पे ऑन स्टोर, और ये था 8,000 का, ये 8,000 के जूते हैं पापा के, पापा को बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। तो हमने, पापा ने इसके साथ एक और पेयर किया था बट वो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये ठीक लगा मुझे, अच्छा है। बट 8,000 थोड़े से महंगे हैं, बट कोई बात नहीं, हम भी महंगे जूते पहनते हैं। एक्चुअली भाई महंगे जूते पहनता है, मम्मी भी महंगे जूते पहनती है, मैं थोड़े ऑन बजट वाले पहनती हूँ। मेरा एक ही सबसे ज़्यादा महंगा जूता है, जो कि है स्केचर का 5,000 का वाइट शूज, जो मैं बिल्कुल डब्बे में सजा के अंदर रखती हूँ, बहुत कम पहनती हूँ, वैसे पहनती तो हूँ बट इतना नहीं। सो जूते की शॉपिंग होगी, पापा के भी कपड़े हमने खरीदे काफ़ी सारे, मतलब 5-6 पेयर खरीदे हैं, तो वो गए हैं ऑल्ट्रेशन के लिए, तो मैं वो आपको नहीं दिखा सकती। मैंने भाई के लिए भी कुछ ऑर्डर करे हैं, एक्चुअली मम्मी ने ऑर्डर करे हैं, बट मेरे मिंत्रा में भी होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ अगर हुआ तो। सो पापा के लिए कुर्ता भी ख़रीदा है हमने, एक तो है ये वाला, दिस वन, ये है सोल स्टोर का,
ठीक लगा उसको, थोड़े अभी ना फंकी लुक में चाहिए, तो इस वजह से मैंने ये वाला पसंद किया। और एक और है सोल स्टोर का, ये 1050 का है, ये है हैप्पी हैप्पी समथिंग, और कलर बहुत ही अच्छे हैं। भाई को एक्सेल साइज़ आता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऑनलाइन और ऑन स्टोर भी ढूंढना। और ये वाले जो शर्ट है जो मैंने आपको दिखाया, ये उतने का ही प्राइस लिखा है अभी, बट उस टाइम आई गेस हमने थोड़े कम में ही प्राइस में ऑर्डर करा था। तो ये तो हो गए भाई के, ये कब आएंगे? आई रियली होप कि दुर्गा पूजा से पहले आ जाए, यानी कि कल। तो अभी मैंने उठ के देखा तो सामान आ गया दूसरा वाला भी, तो मैंने आपको फोटो में दिखाया था भाई का ऑर्डर किया हुआ, एंड अच्छी क्वालिटी है यार, अच्छा है। द स्टफ इज नाइस, द पैकेजिंग इज नाइस। सो अगर आपको सोल स्टोर का ये वाला और ये वाला पसंद आता है तो आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगी। से पहले अभी तो फिलहाल उसके पास मिसिंग है, मुझे लेकर आना पड़ेगा। भाई के लिए मैंने एक कुर्ता पजामा भी ऑर्डर करा है जो कि मैं दिखाती हूँ अभी आपको। सो ये है कुर्ता पजामा, शेरवानी तो नहीं कहेंगे इसको, पता नहीं कपड़ों को, बस मुझे कपड़े ही कहना प्रेफर करती हूँ। ये जो आया है इसका धोती, ये टाइट है, उसके कमर में नहीं आएगा, तो मैं सोच रही थी कि मैं इसे अपने लाइक अपने लिए पेयर कर लूँ, स्टाइल कर लूँ इसको। सो ये रहा जो प्रोडक्ट, जो कुर्ता है वो कुछ इस तरीके से है, दिस इज़ हाउ इट्स लुक। ये थोड़ा ऑरेंजिश ब्राउनिश ऑरेंज, सो ये नीचे से कुछ इस तरीके से खुला खुला है। और जब ना ये ऑर्डर कर रहे थे हम, ये पता नहीं कितने का है, ये मम्मी के आईडी से ऑफकोर्स ऑर्डर करा, ये है 4990 रुपीज़, बट हमने इसे थोड़े कम प्राइस में ही ऑर्डर करा होगा। तो दिस वन ही गॉट फॉर समथिंग एल्स कलर, उसने ना कोई और कलर पसंद करा था, बट ना मैंने ना मुझे ये वाला पसंद आया था, तो मैंने पता उसको किस तरीके से कन्विंस करा, जब मैंने फ़ोटो दिखाई ना तो मैंने कहा कि मम्मा ये ना आपकी ना साड़ी से भी मैच हो जाएगा जो भाई ने खरीदा है। सी तो ना वो ना थोड़ा लाइक पेयरिंग करना पसंद करता है कि मम्मा के साथ या मेरे साथ या पापा के साथ मैचिंग मैचिंग, तो उसने ना यही वाला कलर पसंद कर लिया, उसको फाइनल हो गया कि हाँ मैं को ना यही वाला पहनना है, यही वाला ऑर्डर कर दो, कोई बात। सो ये तो हो गई भाई के कपड़े, पापा के कपड़े ऑल्ट्रेशन के लिए है, मैंने अपनी साड़ियाँ दिखा दी। और मैंने ना एक साड़ी के साथ एक ब्लाउज ऑर्डर करा है, एक्चुअली दो ब्लाउज ऑर्डर करे हैं। इस वाली साड़ी के साथ मैंने इसके साथ कपड़ा तो मिला है, बट आई डोंट नो वाई मुझे ना मन कर रहा था कि मैं इसके लिए अलग से टॉप, जैसे ब्लाउज ऑनलाइन मिलते हैं ना वो खरीदूं। सो मेरे पास ये दो ऑप्शन है, ग्रीन एंड पिंक, क्योंकि इस साड़ी में ग्रीन कलर भी है, पिंक कलर भी है। सी ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे ना पार्टी लुक में लगा, तो मैंने ये ले लिया। सो दिस इज़ ग्रीन वाला, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा इसकी फिटिंग अच्छी, ये थोड़ा ग्रीन वाला लूज़ है, पिंक वाला पूरी फिटिंग में है। सो इसके पीछे कुछ अलग से भी नहीं है, नॉर्मल एक ब्लाउज जैसा है, इसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं है। ये मैंने 549 समथिंग का ख़रीदा है, और ये दोनों ही 549 ईच के पड़े हैं। ये वाला है पिंक वाला, इसके भी पीछे कोई डिज़ाइन नहीं है, बट ये इसकी फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसकी फिटिंग थोड़ी सी लूज़ है बट चलता है। इतना इसको मैं अगर कराने जाऊँगी ना फिटिंग, तो वो ख़राब ही कर देंगे।